के चप्पे से गूंजेगी एक आवाज, अब बहुत हुआ अत्याचार, अब होगा बहुजनों का महासम्मेलन। और अभी मैं मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा से मुखर होकर पिछड़े वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं। तो विजेंद्र यादव जी, सबसे पहले ये बताएं कि 6-7 दिसंबर को क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके का सम्मेलन होगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं जनहित आवाज को धन्यवाद देता हूँ, जो बहुसंख्यक समाज की निरंतर पिछले एक साल से आवाज को उठाकर बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, जो हमारा 6 और 7 दिसंबर को एक ऐतिहासिक न्याय अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, आज उसकी तैयारी के लिए हम रामलीला मैदान में आए। अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, अभी स्टेज की तैयारी चल रही है और निरंतर यहाँ पूरे रामलीला ग्राउंड के अंदर अब बहुसंख्यक समाज का एक ऐसा महाकुंभ होने जा रहा है 6-7 दिसंबर को, और देश के सभी बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की और बहुसंख्यक समाज को राजनीति और न्यायपालिका और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, ये बहुसंख्यक समाज को जागरूक और एकजुट करने के लिए ये न्याय अधिकार का सम्मेलन होने जा रहा है। 6 तारीख को जातिगत जनगणना और 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव, जो ईवीएम से वोट की ताकत को खत्म कर दिया गया, और इसके साथ साथ मंच पर तमाम बहुसंख्यक समाज के, चाहे वो लेटर एंट्री का मामला हो, चाहे वो क्रिमिनलियर का मामला हो, चाहे वो यूपीएससी के न्याय आयोग नियुक्ति का गठन की बात हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को रोकने की बात हो या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो, 93 का एक्ट हटवाने की बात हो ओबीसी का, ये सभी मुद्दों पर मंच पर बात होगी। लेकिन आज मैं रामलीला मैदान से भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट की ओर से एक कार्यकर्ता के रूप में बोल रहा हूँ कि मैं बहुसंख्यक समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना चाहते हो, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को बंद कराना चाहते हो और अपना हक अधिकार लेकर अपनी वोट की ताकत को बचाकर और सत्ता में पहुंचकर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो और अपने हक अधिकार दिलाना चाहते हो, तो 6 और 7 तारीख को मैं आह्वान करता हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, जो एक आंदोलन का ऐसा स्थान है जिस जब जब इस पर आंदोलन हुआ तो राजनीति में परिवर्तन हुआ, उसके हक अधिकार मिले हैं, उस पर अत्याचार अन्याय बंद हुआ, इसलिए आओ हम बाबा साहब के, परियार के, मंडल के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, महात्मा ज्योति फुले के, जितने भी बहुसंख्यक समाज के महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले बहुसंख्यक समाज के क्रांतिकारी लोग हैं, मूल निवासी है देश के, वो 6 और 7 को अगर अपने बच्चों को, उसके भविष्य को बचाना चाहते हो, अधिकार दिलाना चाहते हो, तो रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 90% का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी समय संसद का सत्र चालू होगा और इसी मंच से बहुसंख्यक समाज के क्रांतिकारी लोग एक आह्वान करेंगे, मांग करेंगे कि होने वाली जातिगत जनगणना में अब ओबीसी का ही नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की जनगणना कराकर और जिसकी जितनी संख्या उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायालयों में, सब जगह प्राइवेट सेक्टर में उसको उसकी हिस्सेदारी दिलाई जाए। लेकिन जो 10% के लोग 75% कब्जा जमाए बैठे हुए, 90% लोग, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हम शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आह्वान करेंगे कि जातिगत जनगणना कराकर उसके हिसाब से हिस्सेदारी दिलाई जाए। इसलिए मैं तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों से, तमाम बहुसंख्यक समाज के नेताओं से, तमाम 90% बहुसंख्यक समाज के कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, बहुत हो गया अत्याचार अन्याय, अब अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना है, इस देश की सत्ता पर बैठकर देश को आगे ले जाना है, आरक्षण को बचाना है, वोट की ताकत को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है। अब एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय ना आरक्षण बचेगा, ना बाबा साहब का संविधान बचेगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर 6 और 7 दिसंबर को इस दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में, क्या करोड़ों की संख्या में पहुंचकर इसको इतना मजबूत करें कि सरकार को हमारे आगे झुकना पड़े और हमारी मांग को मानते हुए जातिगत जनगणना कराकर 90 की 90 हिस्सेदारी और 10 की 10 हिस्सेदारी दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, और जो भी हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट इसका एक संगठन जो संयुक्त बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व में ये हो रहा है,
कोई संगठन इसको नेतृत्व नहीं कर रहा है, इसको तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठन जो पूरे भारत के वो इसका नेतृत्व करेंगे, कोई इसका अध्यक्ष नहीं है, सब इसके अध्यक्ष हैं। अपना बैनर लेकर आए, नारों के साथ आए, आपको ठहरने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन जो भाई सक्षम है वो भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए से 1,000 रुपए 2,000 रुपए जो भी दे सकता है वो भी दे, क्योंकि बड़ा आंदोलन है, बड़े मुद्दे हैं और हमारा रास्ता भी बड़ा है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अर्थ के रूप में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो दान भी दे, ताकि आंदोलन और मजबूती से हो। इसलिए 6 और 7 दिसंबर को भारी संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। सर, अभी आपने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार को हिलाना है, तो सत्ता में बैठी सरकार को लाने वाले भी जो हम ही समाज के लोग हैं, क्यों ऐसे झांसे में आ जाते हैं कि सत्ता में ऐसी सरकार को हम ला देते हैं? क्यों हमारे समाज से ऐसे लोग उठकर नहीं आते हैं या पदाधिकारी नहीं बनते हैं, या फिर क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो बना दी गई लेकिन क्या प्रधानमंत्री और हमारे समाज से आने वाली सत्ता में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? देखिए, इस देश का जो मीडिया, वो चौथा स्तंभ है देश का, जो झूठ को सच और सच को झूठ दिखाकर हमारे बहुसंख्यक समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, उसको गलत मैसेज देने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है वही 10% के लोग SC ST को OBC से, OBC को SC ST से और माइनॉरिटी से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय राष्ट्रपति मुर्मू को बनाया, हम उनने उसको स्वागत किया, लेकिन क्या जो मुर्मू जिस आदिवासी समाज से आती है, क्या उस आदिवासी को आज जंगल, जमीन और राजनीति और पहाड़ों का हिस्सेदारी मिली? क्या न्यायपालिका राजनीति में उसको हिस्सेदारी मिली? नहीं। हमें 10 आदमी नहीं, हमें पूरे 90% समाज के लोगों को अधिकार दिलाना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो लगातार 14 से 22 में लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हमने आपका प्रधानमंत्री बना दिया, हमने आपका राष्ट्रपति बना दिया, हमने आपका केंद्रीय मंत्री बना दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हम शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। इसलिए आप जो है बहुसंख्यक समाज के लोगों का जो आरक्षण है, बहुसंख्यक समाज लोगों का जो संविधान है, उस संविधान को बचाना है, और हमारा जो हक अधिकार है न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में, वो हमें हिस्सेदारी आपको देनी पड़ेगी, वरना आने वाले टाइम में बहुसंख्यक समाज लोग एकजुट हो चुके हैं और वो एकजुट होकर अब आपके खिलाफ वोट की ताकत से और रोड पर उतर कर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के साथ 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महाकुंभ होने जा रहा है, और अपने समाज को नए अधिकार दिलाकर ही हम दम लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भी जो है ओबीसी समाज से अपने आप को बताते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन बंटवारा हो चुका है SC ST OBC में, ओबीसी समाज है वो एक तबका अलग जा चुका है और जाकर के वोट कर देता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग एकत्रित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अब देश का जो सबसे बड़ा समाज है वो ओबीसी समाज है, और वो SC ST और माइनॉरिटी का बड़े भाई के रूप में रहा, और SC ST उसके छोटे भाई के रूप में रहा। कहीं ना कहीं ये एक जो गैप है मीडिया ने और हमारे जो सामंतवादी लोग हैं, जो 10% के लोग हैं, उन्होंने बीच में गलत मैसेज दे देकर कि ओबीसी तुम्हारा हक ले गए, वो माइनॉरिटी वाले तुम्हारा हक ले गए, ओबीसी को कह रहे हैं SC ST वाले तुम्हारा हक ले गए, ये एक भ्रम फैलाकर हम लोगों को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। यही कारण है कि हमारे कुछ लोग उनको वोट भी दे रहे, लेकिन जो ज्यादा संख्या है वो संख्या उनको वोट नहीं दे रही, फिर भी वो उनके पास जो वो सत्ता जा रही है। क्यों जा रही है? कि वो EBM का खेल खेलते हैं, वो ED CBI का खेल खेलते हैं, वो अपने धनबल का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ये क्या मतलब है? चुने हुए निगम पार्षद, चुने हुए MLA, चुने हुए MP, अपनी कार्यकाल बचे हुए फिर भी सत्ता अपनी छोड़कर BJP में शामिल हो रहे। कहीं ना कहीं आज बहुसंख्यक समाज के जितने भी पार्टियां, उन सब पर ED CBI का कब्जा, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के लोगों को कमजोर करने के लिए, उनको जेल भेजने का डर दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं वो हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब OBC जागरूक हो चुका है, जो देश का हर दूसरा व्यक्ति OBC है। मैं खासकर OBC के लोगों को कहना चाहता हूँ, RSS की दरिया बिछाना बंद कर दो। राम मंदिर मानो आप, लेकिन राम मंदिर के नाम से ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर OBC के लोग खासकर वो एकजुट होकर SC ST को साथ लेकर, माइनॉरिटी को साथ लेकर, अगर हम 90% लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं आपका आरक्षण छीन ले, आपके संविधान को तोड़ दे,
आपके जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर कर आपकी आरक्षण को खत्म करने का, ये रुक जाएगा, रोस्टर खत्म हो जाएगा, क्रिमिलियर खत्म हो जाएगा, लेटर एंट्री बंद हो जाएगी और किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ देने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आओ 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला में पहुंचे और इसको मजबूती से कामयाब करें और भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए जो जैसा सामर्थ्य लगता है वो इसमें दान दे ताकि आंदोलन लंबा चलेगा और हम इस आंदोलन को इतना कामयाब और इतना लंबा चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप लोग सहयोग करते रहिए, आप या लोग संख्या के रूप में आइए, एक आने वाले टाइम में इस सत्ता में परिवर्तन लाकर सत्ता की कुर्सी भी आपकी होगी क्योंकि देश हमारा है, मूल निवासी हम हैं, वोट की ताकत हमारे पास है। तो इसलिए 6 और 7 दिसंबर को मैं आह्वान करता हूँ भारी संख्या में पहुंचकर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना कराकर उसके हिसाब से आर्थिक और सामाजिक राजनीति हिस्सेदारी दिलाने के लिए आंदोलन हो रहा, इसलिए भारी संख्या में पहुंचने का काम। एक सवाल मेरा ये है, मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस ग्राउंड पे काम कर रहा है वैसे ही तरीके से हमारा संगठन या हमारे समाज के लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा सवाल अभी। देखिए करना तो चाहते हैं लेकिन बहुसंख्यक समाज के जो संगठन है, जो बहुसंख्यक समाज की पार्टियों के नेता है, जिनको हम वोट की ताकत से और जिनको हम आंदोलन की समर्थन से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब कामयाबी की तरफ चलते हैं या उनकी सत्ता हाथ में आ जाती है तो वो हमारे लोगों को कैडर की तो छोड़िए, वो उनको बंधुआ मजदूर समझते हैं, उनको अपने साथ बैठाकर या उनके विधानसभा लोकसभा में आरक्षण हो की बात हो, संविधान की बात हो, बुलेट पेपर की बात हो, उस पर उन्हीं 10% लोगों की पार्टियों के साथ खड़े होकर समर्थन करते। यही कारण है कि हमारा कैडर नहीं बन पा रहा, हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से हम इकट्ठा नहीं होंगे। अब हम लोग WTP है, पैगाम है, ABYM है, भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट है और तमाम बहुसंघ समाज के जितने भी संगठन है, अब वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस रामलीला मैदान में जो 6 और 7 तारीख को, उसमें हमने एक प्रोग्राम 7 को कैडर के रूप में भी रखा, जो दुनिया जो है अब उसमें ज्ञान तेरस के नाम से भी हमने किताब भी निकाली है। ज्ञान तेरस का मतलब है कि ज्ञान देना और उसको ज्ञान पर सीख कर उस पर चलना और अंधविश्वास पागन से दूर रहना और अपने लोगों के खिलाफ ना खड़े होकर उनको साथ लेकर, SC ST के लोग हैं वो हमारे छोटे भाई है, मराठी वाला हमारा छोटा भाई है, तो OBC के लोगों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है, सबसे ज्यादा ताकत आपकी होते हुए भी, आज आपका प्रधानमंत्री होते हुए भी आपकी सबसे ज्यादा अखमारी हो रही है, इतना SC ST की नहीं हो रही जितनी आपकी अखमारी हो रही है, आपको तो इस देश का मूल निवासी भी नहीं समझते वो, अगर समझते तो SC ST के साथ OBC की जनगणना क्यों नहीं करा रहे, पेड़ पक्षियों की करा सकते हैं, उसमें करोड़ों लाखों रुपए लगा सकते हैं, लेकिन आपकी नहीं करा रहे। हम तो कह रहे हैं OBC को तो छोड़िए, आप देश में सबकी करा दीजिए और उसके हिसाब से हिस्सेदारी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो 6-7 तारीख को एक बहुत बड़ा नया अधिकार सम्मेलन है और अगर इसमें प्रधानमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आने वाले टाइम में सभी संयुक्त बहुसंख्य समाज के संगठन पूरे देश में एक रथ यात्रा के माध्यम से 24 तक हम पूरे देश में बहुसंख्यक समाज को जगाएंगे और 24 के अंदर हम अपनी वोट की ताकत से और आंदोलन की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, अब बहुसंख्यक समाज को अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। सर अभी आपके हाथ में मैं एक बुक देख रही हूँ, जाति का विनाश, ये आखिर जाति का विनाश होगा कैसे? देखिए प्रयास किया जा रहा है और पुस्तक का वितरण हम करेंगे, हमारे पास और भी पुस्तकें हैं, हम जो है इन सब पुस्तकों का वितरण करेंगे ताकि समाज के लोग इनको पढ़े, ज्ञान तीर्थ मनाया जाएगा, समाज के लोग इनको पढ़ें और अपने आप को पहचानें कि हमें हमारा हक अधिकार कहाँ है और कहाँ छीन रहा है, कौन ले रहा है हमारा जो हक है, कौन मार रहा है। ये किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो एक जो जागृति भी आएगी। तो हमारा मतलब है कि हम सबको इसलिए इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए हम जो है सम्मेलन कर रहे हैं कि लोगों को इस बारे में पता चले कि आप लोग जो है क्यों घरों में सोए हैं, आप आइए यहाँ आइए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। ठीक है सर, सर हमारे वॉइस ऑफ पीपल और जनहित आवाज के माध्यम से जो जनता से आप अपील करना चाहते हैं वो एक बार आप अपील कर दीजिए, क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं देश के सभी 90% बहुसंख्यक समाज लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जनहित आवाज और वॉइस ऑफ पीपल एक ऐसा चैनल है
दोनों जो बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की उसके ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को न्याय दिलाने के लिए और बहुसंख्यक समाज का आरक्षण और संविधान को और वोट की ताकत को बचाने के लिए ये निरंतर पिछले कई सालों से इस आवाज को बुलंद कर रही है। तो मैं देश के सभी बहुसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, वॉइस ऑफ पीपल जनहित आवाज को भी अपना समर्थन करें, इसको सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर इस चैनल को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में ये चैनल आपकी आवाज को बड़े प्लेटफार्म पर उठाकर सरकार से आपके अधिकार दिलाने का काम करे, आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सकता है इसको सब्सक्राइब कर इसको लाइक शेयर कर इसको आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। ये आपका चैनल है, आपकी आवाज को उठाता है, इसको मजबूत करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये आपकी जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम करती है और उसी को दिखाएगी। झूठ को झूठ और सच को सच दिखाने वाला चैनल है, इसलिए इसको कामयाब करें ताकि आने वाले टाइम में बड़े लेवल पर प्लेटफार्म पर आपकी आवाज को बुलंद कर सके। जय हिंद, जय भारत। सर, सहयोग के लिए कोई नंबर दिया जाएगा, कोई अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा क्या? देखिए, भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट, जो नाम से ही आप समझ चुके हो कि भारत का निर्माण, और भारत निर्माण का मतलब है बहुसंख्यक समाज का निर्माण, क्योंकि वो मूल निवासी है, देश हमारा, इस देश को आजाद हम लोगों ने कराया। इसलिए भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट, ये ATG भी है इसका और ये टैक्स फ्री भी है, इसका एक अकाउंट भी है जो अभी चैनल के नीचे हेडलाइन में उसका पूरा ब्यौरा आपको ये देंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1 रुपए से 1,000 रुपए जितना भी जिसकी व्यवस्था है, जितना समर्थ है, वो इसको जरूर दे ताकि आंदोलन लंबा चलेगा। और 6 और 7 तारीख को ये बहुत बड़ा एक अमाउंट का खर्चा है, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप सब लोग की लड़ाई है, एक एक रुपया इकट्ठा कर और अपना जन समर्थन कर इसको कामयाब करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में 24 से पहले आपका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ विजेंद्र यादव जी थे, जो यहाँ पर समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, हमेशा से लड़ते आए हैं उस समाज के लिए जो पिछड़ा वर्ग है, और हमेशा से आवाजें बुलंद करते आए हैं। तो 6-7 दिसंबर को आप लोगों से अपील है, यहाँ पर बहुत बड़ा महासम्मेलन होने वाला है बहुजनों को लेकर, और आप ही के मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तमाम लोग यहाँ जुड़ेंगे, तमाम एक्टिविस्ट यहाँ जुड़ेंगे, तमाम जो लोग हैं, अलग अलग संगठन है, वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि इस सम्मेलन में जुड़े और जरूर आए, 6-7 दिसंबर को इस प्रोग्राम को सफल बनाए। और इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी विनोद के साथ में पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।